नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विंग्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर अशोक प्रजापत, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन में एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी हरियाणा। एक्सटेंशन के अंदर जो अपना HSSC के सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक आपका है, और ये टॉपिक का नाम है एक्सटेंशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा। तो स्टेट डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री का, उसने कौन कौन से एक्सटेंशन प्रोग्राम है, कौन कौन सी स्कीम्स है जो हरियाणा के फार्मर्स के लिए ये चलाई गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। यहाँ पर ये जो डेटा आज की क्लास का मैंने लिया है, जो हरियाणा सरकार की एनिमल हस्बेंड्री है वहाँ के डिपार्टमेंट से मैंने ये डेटा लिया है। अभी रिसेंटली जो हरियाणा सरकार से 5 स्कीम चल रही है एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में, जो रिसेंटली ओपन है, उन सारी स्कीम को आज हम वन बाय वन डिटेल में जानेंगे। जहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पांचों स्कीम को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि कौन सी स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार के अकॉर्डिंग, कौन सी स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कौन सी स्कीम के फायदे कौन है, कौन इसका बेनिफिट उठा सकता है। ये चीजें हम एक एक करके देखेंगे और साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो 5 योजनाएं हैं जो सरकार की अभी चल रही है वो हम बात करते हैं, तो एक एक करके सारी हम योजनाएं देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली योजना है जो सरकार की चल रही है हरियाणा में, वो है एनिमल हस्बेंड्री में स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाई एस्टेब्लिशिंग पिगरी शीप एंड गोट यूनिट। ये 2022 की जो योजना है ये सरकार इसमें ये कह रही है कि अब सारी जो स्कीम है ना, यहाँ पे एक ही चीज गौर रहेगी, इसकी स्कीम का सारों का नाम एक है दोस्तों, सारी स्कीम के अंदर ये चीज दे रखी है कि स्कीम प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो शुरुआती नेम सारी स्कीम का एक ही है, ये कह रही है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। 500 स्कीम के अंदर यही सरकार कह रही है कि हमारा सरकार का मेन टारगेट है प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसको बाई कैसे, बाई एस्टेब्लिशिंग पिगरी, पिग यूनिट खोलना, शीप यूनिट खोलना और गोट यूनिट खोलना, तीनों यूनिट खोल के जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है हरियाणा स्टेट के अंदर, सरकार का मेन मोटो है। तो पहली योजना है ये जनरल कैटेगरी की योजना है दोस्तों, इसके अंदर कोई भी हरियाणा का जो हरियाणा का जो नागरिक है वो कर सकता है, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे जनरल, ओबीसी, बीसीए, बीसीबी और एससी कैटेगरी का कोई सा भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। इसकी कुछ नियम है, इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आगे हम स्कीम के डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट जो हम देखते हैं दोस्तों वो है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सेम ही चीज है, देखो यहाँ पर भी लिखी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना उनको, शेड्यूल कास्ट के पीपल को, जो हरियाणा के शेड्यूल कास्ट के लोग है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। ये स्कीम एससी के लोगों के लिए, जो हरियाणा के एससी के एससी में जो आते हैं उन कैटेगरी के लोगों के लिए है। इसी इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, इस योजना को भी, कि सरकार इस स्कीम के तहत क्या चीजें दे रही है एससी के लोगों को। अभी तीसरी योजना जो हमारी है इस हरियाणा सरकार की 2022-23 के अंदर, ये कह रही है स्कीम फॉर एस्टेब्लिशिंग हाईटेक एंड मिनी डेयरी। देखो दो शब्द है दोस्तों, यहाँ पे दो चीज है, एस्टेब्लिशिंग क्या एस्टेब्लिश करना, हाईटेक एंड मिनी डेयरी यूनिट, मिनी मतलब छोटी डेयरी यूनिट एस्टेब्लिश करना, और वो हाईटेक डेयरी होनी चाहिए, ऐसी डेयरी एस्टेब्लिश करना, ये हरियाणा की तीसरी स्कीम है दोस्तों। जो ये सेकंड स्कीम अपनी एससी वाली, ये दोनों स्कीम का मिक्सन है, पहली और दूसरी का मिक्सन मिला के एससी के लोगों के लिए बना दी गई है। तो ये स्कीम दोनों का मिक्सन है, पहली और तीसरी का। इन चीजों को और डिस्कस करेंगे हम आगे एसी क्लास के अंदर, देखेंगे एक एक चीज को डिटेल से। तो चौथी स्कीम है जो हरियाणा सरकार की चल रही है स्कीम एनिमल हस्बेंड्री में, एस्टेब्लिशिंग ऑफ बैकयार्ड पोल्ट्री। देखो दो, यहाँ पे पिगरी हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, इसके अंदर मिनी डेयरी के अंदर यहाँ पे मिल्क एनिमल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगली बात आती है बैकयार्ड पोल्ट्री का, तो लगभग सारी यहाँ पे एनिमल कवर करने की कोशिश की है सरकार ने। बहुत अच्छी योजना है कि हर एक एनिमल को हर एक पब्लिक तक पहुंच जाए, तो उसके अकॉर्डिंग योजनाएं बहुत दिमाग लगाकर बनाई गई। बैकयार्ड पोल्ट्री को भी इन्होंने कवर किया है इस योजना के तहत, इसको डिटेल देखेंगे आगे इसी क्लास में। अगला है हमारा पांचवा और लास्ट योजना, ये थोड़ी अलग योजना है, बहुत अच्छी योजना अगर आप देखेंगे, स्कीम फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस कैटल। देखो यहाँ पे दो काम है, कंजर्वेशन करना किसको, इंडिजिनस कैटल एंड मुर्रा,
मुर्रा वेफर है इंडिजिनस कैटल को कंजर्वेशन करना, मतलब इनके जर्म प्लाज को बचाना, इनकी जो ओरिजिनलिटी है उनको बचा के रखना और उनका डेवलपमेंट करना, ये योजना है। और इन योजना में कौन एलिजिबल है, इसके क्राइटेरिया क्या है और एग्जाम के अकॉर्डिंग कहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बताता जाऊंगा। इस स्लाइड के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन आ गया कि सरकार की ऐसी योजना बताए जो जो पोल्ट्री के रिलेटेड हो, 2022-23 के अंदर हरियाणा सरकार की योजना बताए जो पोल्ट्री के रिलेटेड हो, तो आपको बैकयार्ड पोल्ट्री वाला बताया। अब ये भी पूछ सकते हैं कि अब आपको ये दे दी गई हो, दो तीन योजनाएं के नाम और दे देंगे जो नहीं है, पर आपको अगर ये योजना का नाम याद हो तो आप इस पे टिक लगाना, दो तीन इसके सिमिलर नाम भी दे सकते हैं लिखे। और यहाँ पे दिया गया है हाईटेक मिनी डेयरी यूनिट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी योजना के तहत मिल्च एनिमल के थ्रू डेयरी डेवलपमेंट का काम किया गया। इन जब मैं डिटेल बताऊंगा तब आपको ये चीज समझ में भी आएगी। इसके ऑब्जेक्टिव, उसके क्विज जो है मैं जो विंग्स क्लासेस के ऐप है वहां पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ऐप को, वहां से इसके सारे क्विज जो क्वेश्चन बनते हैं वो लोग फायदा उठा सकते हैं। और कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं जनरली एग्जाम के अंदर ऐसी योजनाओं के, वो सारी मैं क्विज के अंदर सारे क्वेश्चन 20-30 जो भी क्वेश्चन होते हैं वहां से क्लियर कर दूंगा, जो आप फायदा ले सकते हैं वहां से देख लेना विंग्स क्लासेस के ऐप के अंदर क्विज सेक्शन में जो प्रीमियम सब्सक्राइब यूजर्स है। तो आज हम देखते हैं पहली जो हमारी योजना है दोस्तों, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एस्टैब्लिशिंग पिगरी शीप बोर्डिंग इट, ये जो पहली योजना है इसके अंदर देखते हैं क्या सरकार कहती है। इसका जो जो सरकार ने बैकग्राउंड लिया इस योजना को बनाने के लिए, वो सरकार ने ये बताया कि स्कीम क्या है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एस्टैब्लिशिंग पिगरी शीप एंड गोट के यूनिट को एस्टैब्लिश करना, जनरल कैटेगरी की योजना है जो हरियाणा का जो हरियाणा के लोग हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर, मतलब सारे लोग इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अभी इसके मैं इसके क्राइटेरिया भी बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सरकार ने जो बैकग्राउंड डेटा लिया है इस योजना के लिए, जो सरकार ने बताया देर आर 1.07 लाख पिक, लगभग लाख से ज्यादा पिक पूरे हरियाणा के अंदर है, 2.87 लाख शीप, लगभग 2.87 लाख शीप है हरियाणा के अंदर पॉपुलेशन में, और 3.35 लाख गोट है। ये डेटा सरकार ने लिया 2019 एनिमल हस्बेंड्री जो इंडिया का सेंसस है वहां से लिया है, उसके अकॉर्डिंग 1 लाख के आसपास पिक, लगभग 3 लाख के आसपास शीप और लगभग 3.35 लाख के आसपास गोट, ये बताया गवर्नमेंट ने। अब इसने यहाँ पे एक और चीज बताई है, हरियाणा स्टेट हैज वर्स्ट पोटेंशियल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। सरकार ये कहती है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से हरियाणा काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो हमने कुछ स्कीम्स लॉन्च की है, इसमें एक भी पार्ट है। अगली स्कीम जो है एनिमल हस्बेंड्री आल्सो इंट्रीब्यूट 6.2% टोटल स्टेट ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो स्टेट ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हरियाणा का, उसका 6.2% केवल पूरा एग्रीकल्चर करें दोस्तों, केवल एनिमल हस्बेंड्री से आ रहा है। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर 6.2% एनिमल हस्बेंड्री से आ रहा है स्टेट ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। तो सरकार ने कहा कि इसके अकॉर्डिंग एनिमल हस्बेंड्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया, तो हमने कुछ स्कीम्स लॉन्च की है, ये हर एक स्कीम के अंदर दे रखा है उन्होंने बैकग्राउंड डेटा के अंदर। स्कीम के अंदर देखो ऑब्जेक्टिव क्या रखा है, जो पिगरी शीप और गोट का जो इन्होंने स्कीम खोली है उसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया कि सरकार का, हमारा मेन मोटो ये था खोलने का। तो ऑब्जेक्टिव सरकार ने बोला कि क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटी, मेन मोटो था कैसे ही करके एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू हमने लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। सेकेंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सरकार ने रखा है इंक्रीज इन वूल मीट और प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट, देखो यहाँ पे तीन चीजें बताई गई दोस्तों इस स्कीम के अंदर। पिगरी खोली गई तो यहाँ पे हमारे जो पोर्क है, तो डायरेक्टली देखा जाए तो पोर्क से पिगरी से पोर्क मिल जाएगा, तो पोर्क यहाँ पे इंक्रीज करना। सेकेंड अगर गोट की बात करें, गोट और शीप की मीट भी इसी का पार्ट है पिगरी वाला, तो गोट और शीप से मीट भी मिल सकता है, और डायरेक्टली शीप की बात करें तो वो वूल प्रोडक्शन मिल सकता है। तो इंक्रीज करना हमें स्टेट के अंदर वूल मीट पोर्क प्रोडक्शन थ्रू आउट स्टेट हरियाणा के अंदर, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ये रखा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इस स्कीम के लिए। अब देखते हैं दोस्तों इस स्कीम का डिस्क्रिप्शन क्या दिया है सरकार ने, इस स्कीम का डिस्क्रिप्शन दिया कि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो सरकार ने दो स्कीम का डिस्क्रिप्शन दिया, सबसे पहले दो यूनिट बताई गई है पिगरी की और शीप एंड गोट की। शीप और गोट की कंबाइन यूनिट, कंबाइन एक जैसी यूनिट है, उनको एक जैसा ही बताया गया है, कैसे अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम पिगरी यूनिट की बात करते हैं।
सरकार ने बोला कि पूरे हरियाणा के अंदर 22-23 के अंदर हमें 40 पिगरी यूनिट खोलनी। कितनी दोस्तों? 40। एक पिगरी यूनिट के अंदर सरकार ने बोला कि 10 स्ट्रो होंगे, एक पिगरी यूनिट के अंदर 2 स्ट्रो और एक बोर होगा। 10 स्ट्रो एक बोर मतलब 10 फीमेल अडल्ट फीमेल हो पिग और एक अडल्ट फीमेल अडल्ट मेल हो पिग। यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे एक यूनिट के अंदर माना, मतलब टोटल 11 एनिमल माने जिसके अंदर 10 तो फीमेल होंगे पिग के और एक मेल होगा पिग का। तो टोटल 11 एनिमल माने एक पिग यूनिट के अंदर। इसमें सरकार ने पूरे हरियाणा के अंदर 40 मतलब 40 ऐसी पिग यूनिट खोलने का टारगेट लिया एक साल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सरकार ने बोला अगर आप एक पिग यूनिट खोलते हो तो हम आपको 25% तक सब्सिडी देंगे। दोस्तों कितने? दोस्तों 25%। तो कितने रुपए मिलेंगे वो मैं आगे स्कीम के अंदर बताता हूँ। दूसरा बताया सरकार ने शीप और गोट का, अगर आप यूनिट खोलते हो शीप का अलग गोट का अलग, अगर आप उसके अंदर एक यूनिट के अंदर 15 फीमेल और एक मेल लेते हो मतलब 16 एनिमल, टोटल कितना होगा दोस्तों? 16 एनिमल, जिसके अंदर 15 तो फीमेल एनिमल है, 15 फीमेल एनिमल और एक मेल एनिमल के साथ आप यहाँ पे शीप या गोट का यहाँ पे फार्म खोल सकते हैं। उसके अंदर सरकार ने बोला हमने पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 160 यूनिट खोलने हैं, मतलब 160 यूनिट खोलने हैं शीप या गोट के पूरे। ठीक है ना, एक यूनिट के अंदर 16 एनिमल है, 15 फीमेल और एक मेल। ठीक है, इसके अंदर भी सरकार ने बोला कि हम आपको लगभग मतलब मैक्सिमम यूनिट दे मैक्सिमम उन्होंने प्राइस फिक्स की पूरे आपको लगभग 25% आपको सब्सिडी देंगे, पूरी 25% जो लगभग का मतलब क्या मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन है स्कीम का। अब ये इसका फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब सरकार कैसे पैसा देगी आपको पिगरी यूनिट के लिए, जो फाइनेंशियल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। तो यहाँ से आप समझना बहुत आसान है, एक बार के लिए आप देखना आपको समझ में आ जाएगी, एक बार गौर करके देखना। सरकार ने बोला जैसे अभी हमने बात की 10 स्ट्रो और एक बोर खरीदेंगे आप, कौन? आप जो फार्मर आई ये स्कीम चलाना चाहता है, तो सरकार कह रही आप यहाँ पे 10 स्ट्रो लाइए और एक बोर लाइए। ठीक है, कौन सी ब्रीड का लाना आपको? यॉर्कशायर ब्रीड, मतलब सरकार ने ब्रीड भी फिक्स कर दी। अगर आप यॉर्कशायर ब्रीड के 10 स्ट्रो और एक बोर लाते हैं, पर यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दी, सारे एनिमल जो आप 11 एनिमल ला रहे हैं सारे एनिमल की एज 8 से 11 मंथ होनी चाहिए, मतलब एक साल से नीचे है 8 से 11 मंथ। अगर आप 2 साल का एनिमल लाते हैं मतलब शो या बोर्ड लाते हैं तो आप इस कैटेगरी के इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप ये बोर्ड लेके आ रहे हैं 8 से 11 मंथ का या शो लेके आ रहे हैं तो ही आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल एलिजिबल है। सरकार ने यह बताया गया आप कुल 10 शो खरीदेंगे तो एक शो की मैक्सिमम प्राइस सरकार ने बताया है 9,000। कितने दोस्तों? 100 की, मतलब फीमेल अडल्ट फीमेल है जो पिकी उसकी 9,000 रुपए सरकार ने प्राइस फिक्स कर दी मैक्सिमम, वो भी 8 से 11 मंथ का होना चाहिए जो फीमेल है। ठीक है, तो टोटल आप 10 खरीदेगा शो तो टोटल आपका कॉस्ट पड़ेगा 90,000। तो सरकार कह रही है अगर आप 10 फीमेल खरीदते हैं तो आपका 90,000 का खर्चा होगा अगर 8 से 11 मंथ की है। अगर आप बोर खरीदते हैं स्कीम के तहत या आप बोर खरीदते हैं वो 8 से 11 मंथ का है तो आपको 10,000 रुपए का खर्चा आता है। तो सरकार के लिए एक पिगरी यूनिट खर्च बनाने के लिए आपको 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। कितना? 1 लाख, मतलब आप 11 एनिमल खरीदते हैं पिगरी में पिग के, तो सरकार के लिए आपका 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया। तो सरकार का कहना है तो इस पे सरकार के लिए 1 लाख रुपए पे हम कितने परसेंट देंगे सब्सिडी? 25% दोस्तों। सरकार कह रही है अगर आप 16 एनिमल खरीदते हैं और आपको 25% सब्सिडी देंगे, 16 एनिमल 8 से 11 मंथ की एज के होने चाहिए, तो आपको 25,000 टोटल मैक्सिमम यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। अब बताते हैं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं दोस्तों। सबसे पहला है कि पिगरी यूनिट के अंदर सरकार कितना मैक्सिमम बेनिफिट दे रही है, तो आपको पहला तो हो गया 25%, सेकेंड अगर कैश के अंदर बात हुई तो मैक्सिमम आपको 25,000 रुपए बताने हैं। अब ये पूछ सकते हैं कि पिगरी यूनिट के अंदर सरकार ने क्या क्या इंक्लूड किया गया इस वैकेंसी इस स्कीम के अंदर, तो आप बताएंगे 11 एनिमल जिसके अंदर 10 तो मेल 10 तो फीमेल 100 फीमेल जो 100 कहते हैं और एक बोर जो एडल्ट मेल है उसको इंक्लूड किया गया। और एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो है कि किस एज ग्रुप के सरकार ने एलिजिबिलिटी दी है, तो 8 से 11 मंथ। ठीक है, और कौन सी ब्रीड यहाँ पे इन्होंने सरकार ने एलिजिबल की वो है यॉर्कशायर ब्रीड। दोस्तों यहाँ पे 5 या 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाते हैं, तो इस स्लाइड को आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना। अब आते हैं अगला दोस्तों फाइनेंशियल, जो शीप और गोट के लिए सरकार ने फिक्स किए हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सरकार ने शीप और गोट को अलग अलग यूनिट माना है, उनकी प्राइस एक ही जैसे दी, तो इसलिए मैंने एक ही इंडेक्स में इसको बताने की कोशिश की। आसानी से मैं समझाता हूँ आपको। सरकार कहती है
इस यूनिट के लिए आपको 16 एनिमल की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। कितने हैं एनिमल? 16, जिसके अंदर कैरी आप 15 फीमेल ले सकते हैं और एक मेल ले सकते हैं, चाहे वो शीप का हो चाहे वो गोट का हो। अगर आप शीप यूनिट खोलते हैं तो 15 आपको शीप फीमेल लेनी पड़ेगी, एक शीप का मेल लेना पड़ेगा। अगर आप गोट यूनिट खोलते हैं तो 15 गोट फीमेल और एक मेल। इनकी जो एज है सरकार ने बताया था, यहाँ पे ब्रीड नहीं डिस्क्राइब की, पर यहाँ पे एज यहाँ पर भी लागू की है 12 से 18 महीना, मतलब 1 से 1.5 साल के बीच होने चाहिए, चाहे शीप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे गोट मेल हो चाहे फीमेल हो। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ हो गया दोस्तों। अगला जो बोला उन्होंने, कॉस्ट जो बताई है, 15 ईव की कॉस्ट उन्होंने बताई है, 15 ईव या डोई। ईव मतलब, देखो मैं यहाँ पे एक कुछ चीजें बता देता हूँ। ईव यानी देखो दोस्तों, ये हो गया शीप का फीमेल, शीप के जो फीमेल को कहते हैं वो कहते हैं ईव, ठीक है दोस्तों। जो गोट है, गोट के फीमेल की जो बात करें हम उसको कहते हैं डोई। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो इनकी जो प्राइस फिक्स की है फीमेल की और दोनों के फीमेल की, गोट और शीप की, उनके एक ही प्राइस फिक्स की है दोस्तों 6,000 रुपए। तो इस स्कीम के लिए आपको कितने फीमेल चाहिए? सरकार ने बोला 15, तो उसके पैसे होते हैं 90,000। 15 को 6,000 से गुना किया तो 90,000 रुपए सरकार ने किया। आप अगर यूनिट खोलते हैं तो 90,000 को तो आपको फीमेल फीमेल का खर्चा आएगा। सरकार ने बक का जो मेल गोट है और रेम जो शीप का मेल है, तो इनका इन्होंने प्राइस फिक्स किया 8,000। तो सरकार ने बोला टोटल 8,000 का मेल आएगा। तो सरकार ने बोला एक शीप यूनिट या एक गोट यूनिट आप खोलते हैं तो आपका खर्चा आएगा 98,000। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहा है सरकार ने इस स्कीम के लिए। देखो, या तो पिगरी खोल सकते हो, या शीप यूनिट खोल सकते हो, या गोट यूनिट, आपकी मर्जी, आप कौन सा खोलना चाहे। सरकार ने बोला आप पिगरी यूनिट खोलते हो तो आपके 1,00,000 रुपए का खर्चा आता है, तो हम 25,000 रुपए आपको देंगे 25% के अकॉर्डिंग। सरकार ने आगे ये भी बात बोलती है, अगर आप शीप यूनिट खोलना चाहते हैं या आप गोट यूनिट खोलना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम खर्चा आता है 16 एनिमल का 98,000। इस 98,000 पे सरकार ने बोला हम 25% आपको सब्सिडी देंगे। कितना दोस्तों? 25%। तो 98,000 का 25% होता है 24,500 रुपीज। सरकार कह रही है हम 24,500 रुपए आपको देंगे एक शीप यूनिट या एक गोट यूनिट खोलने के लिए, तो ये सरकार आपको सब्सिडी देंगे। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आता है, किस एज ग्रुप के लिए एलिजिबल है, कितने मेल कितने फीमेल चाहिए, कितनी प्राइस फिक्स की गई है, और कितना परसेंट मिल रहा है, और कितने रुपए मैक्सिमम मिल रहे हैं, यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब दोस्तों अगला, इसी योजना के अंदर जो एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी कि कौन लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट हो सकते हैं कौन नहीं, तो आसान है, सारी योजनाओं के अंदर यही एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट फॉर्म में एक या दो जगह चेंज में आपको बताऊंगा। देखो, सरकार कह रही है कि जो आदमी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी एज होनी चाहिए 18 से 55 साल। कितने दोस्तों? 18 से 55 साल। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये एज होनी चाहिए, और वो हरियाणा का रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब हरियाणा का निवासी जिसकी उम्र 18 से 55 साल है। दूसरी शर्त है ही शुड बी अनएम्प्लॉयड, मतलब वो बेरोजगार होना चाहिए दोस्तों, उसके पास कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब नहीं होनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट जो भी उनके रूल रेगुलेशन है, अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, वुड बी नो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, मतलब यहाँ पर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सरकार को नहीं फर्क पड़ रहा इस स्कीम के लिए कि आप पढ़े लिखे हैं या चाहे अनपढ़ है, कोई भी हो 18 से 55 साल के बीच में हो, हरियाणा को अनएम्प्लॉयड हो, यहाँ पे भाग ले सकता है। अगली शर्त ये रखी है, कोई भी ग्रुप फर्म ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कॉलेज रन कर रहे हो, अगर आपकी बड़ी डेयरी है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू खरीद रहे हैं, आप अगर आपके कोई फार्म पहले से चल रहा हो जिसके अंदर ज्यादा एनिमल हो, तो आप इस के लिए परमिटेड नहीं हो, ठीक है दोस्तों। ये केवल इंडिविजुअल के लिए ही बेनिफिशियरी, मतलब कोई फैमिली है जो इंडिविजुअल ये खोलना चाहती उनके लिए ही ओरिएंटेड स्कीम है, उनके लिए ही एलिजिबिलिटी है। अगली स्कीम, इसी के अंदर अगला जो सरकार ने जो एलिजिबिलिटी दी कि कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होना चाहिए जो पहले से ही ऐसे कोई स्कीम का फायदा उठा रहे हो, वापस वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठाए तो वो एलिजिबल नहीं है, इस स्कीम के अंदर एलिजिबिलिटी नहीं रहेगा। तो सरकार ने ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पहली स्कीम आपको पूरी समझ में आई है, इसको एक बार रिवाइज करके देखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएंगे। हमारा सारा काम ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक रहेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आए। ऐसे कुछ और वीडियो अगर आपको देखने हैं, अगर आपको ऐसी चीजें समझनी है, इस टाइप के और वीडियो हमारे ऐप को डाउनलोड करो, वहां से आप वीडियोज देख सकते हैं और वहां से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियोज, ऑडियो और क्विज, मॉक टेस्ट सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, आप एक बार ऐप में विजिट कीजिए। और अब आते हैं दोस्तों इसी चैप्टर के सेकेंड सेक्शन में, जो सेकेंड हमारी स्कीम है उसके ऊपर बात करते हैं।
ये कह रहे हैं कि स्कीम प्रोवाइड करती सॉरी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करती है किनको, शेड्यूल कास्ट पीपल को। ये क्या स्कीम है इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है ये स्कीम दोस्तों शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए है जो हरियाणा के। इसमें कहते हैं इसका बैकग्राउंड जो सरकार ने बताया लगभग 19.29 लाख यहाँ पे हरियाणा में कैटल है 43.68 लाख बफेलो इन स्टेट ऑफ हरियाणा अकॉर्डिंग टू 2009 लाइव स्टॉक सेंसस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 43.68 लाख छह आठ लाख बफेलो है, 19.29 लाख कैटल है हरियाणा के अंदर। सरकार के अकॉर्डिंग सरकार ये चाहती है अप्रोक्सीमेटली 20% जो पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की, मतलब जो इतनी पॉपुलेशन है उसका 20% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट लोगों के पास है। कितने 20%। बट सरकार ये कह रही है कि जो शेड्यूल कास्ट की फैमिली है उनका 44% जो आजीविका का साधन है वो एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर। कितना दोस्तों, जो हरियाणा की जो भी शेड्यूल कास्ट है सरकार के डेटा के अकॉर्डिंग सरकार कहती है कि 44% उनका डिपेंडेंस शेड्यूल कास्ट का एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री पे है। तो वो कहती है बाकी ओनली 56% अदर सेक्टर के लिए है, बाकी 44% वो आजीविका के लिए एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कह रही 21% जो है फैमिली वो लाइव स्टॉक ऑन करती है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सॉरी 21% लाइव स्टॉक का 21% शेड्यूल कास्ट फैमिली अफोर्ड कर रही है हरियाणा के अंदर, ये कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों इस स्कीम के आगे और भी डिटेल देखते हैं। इस स्कीम के अंदर सरकार ने ये डेटा दिया है, सरकार ये कहना चाहती है कि हरियाणा के अंदर देखो कितने यहाँ पे लाइव स्टॉक बताए गए हैं, 70.41 लाख 17.41 लाख यहाँ पे टोटल बताए। उसमें से इन्होंने बताया 62.92 लाख बोवाइंस है, मतलब बोवाइंस का मतलब समझ रहे हैं कैटल एंड बफेलो कंबाइनली यहाँ पे सरकार ने बताए हैं। पिग यहाँ पे 1.07 लाख, शीप को 2.87, गोर का जो हमने पहले भी देखा 3.35 लाख, ये डेटा सरकार ने बताया है टोटल लाइव स्टॉक हरियाणा के अंदर जो सब फैमिली के पास है। सरकार ने ये बोला जो ऐसी फैमिली जो उनके पास 10 लाख बोवाइन है, लगभग 86,000 के आसपास इनके पास पिग है, 2 लाख शीप है, 2.08 लाख इनके पास गोर है और टोटल 15.06 लाख एनिमल शेड्यूल कास्ट पीपल के पास है। तो सरकार यहाँ पे डाटा दिया कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये यहाँ पे जो डाटा बता रहा हूँ पूरे हरियाणा का 82% जो पिग है जो शेड्यूल कास्ट लोगों के पास है जो पीपल है उनके पास है, 70% जो शीप है, देखो बहुत अमाउंट होती है बहुत कबीले तारीफ है, 82% एक ही कम्युनिटी के पास होना बहुत अच्छी बात है, सरकार इनको और स्ट्रेंथनिंग देना चाहती है। 82% जो पिग है शेड्यूल कास्ट के पास है, 70% शीप उनके पास है और 62% गोट जो स्मॉल एनिमल है इनका दबदबा है इनका। तो सरकार चाहती है और भी दबदबा हो, और भी दबदबा हो इनका, और वो चाहती है इनके साथ साथ जो बोवाइंस है जो लार्ज एनिमल है इनके पास आए, तो यहाँ पे सरकार चाहती है इनको भी बढ़ावा दिया जाता, तो टोटल 21% इनके पास है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये इंडेक्स भी आपको याद रखना चाहिए। तो सरकार की योजना के तहत क्या क्या दे रही है वो आगे देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस योजना के तहत सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला है इंक्रीज पर कैपिटा ऑफ मिल्क अवेलेबिलिटी इन स्टेट। तो पर कैपिटा मतलब एक आदमी को एक दिन का दूध की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बढ़ाना हरियाणा स्टेट में। सेकेंड जो सरकार ने बताया था कि यहाँ पे जो उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटी वो बढ़ाना किन के लिए दोस्तों, केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए। यहाँ पर ये स्कीम शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, तो इनकी फैमिली के अंदर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उनको बढ़ाना एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के थ्रू। तीसरी जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सरकार ने लिया गया है इंक्रीज मिल्क वूल मीट प्रोडक्शन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइव स्टॉक, मतलब मिल्क बढ़ाना वूल बढ़ाना और मीट बढ़ाएंगे तो हरियाणा में जो लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्कीम इसके लिए भी फायदेमंद है। अपग्रेड करना एंड डेवलप करना वैल्यू जर्म प्लाज अवेलेबल ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे जर्म प्लाज को भी यहाँ पे बचाना है और ब्रीड को अपग्रेड भी करना, कैसे मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे सरकार ने जो स्कीम के अंदर जो बताया गया कि इस स्कीम के अंदर क्या क्या दे रहे हैं बताता हूँ। सरकार ने टारगेट रखा मिनी डेयरी यूनिट, दोस्तों कौन सी मिनी डेयरी यूनिट, मिनी डेयरी यूनिट सरकार ने क्या माना 2 से 3 मिल्च एनिमल, कितने 2 या 3 मिल्च एनिमल अगर आप रखते हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को बोला आप मिनी डेयरी खोलिए। मिनी डेयरी यूनिट का उन्होंने रखा 2 या 3 अगर आपके पास मिल्च एनिमल है तो इसको 1 यूनिट मानेंगे, ठीक है ना।
अगर ऐसी यूनिट खोलते हैं तो सरकार पूरे हरियाणा में 1500 यूनिट खोलेगी केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए। कितने 1500, मतलब लगभग 3000 या 4500 मिल्स एनिमल सरकार यहाँ पे चाहती है कि पूरे हरियाणा में 1500 लोग यहाँ पे ऐसी खोले और 4500 अच्छी क्वालिटी के एनिमल यहाँ पे प्रोड्यूस करें। यहाँ पे सरकार 50% सब्सिडी दे रही है शेड्यूल कास्ट लोगों। कितने दोस्तों? 50% बहुत होती है। अभी मैं बताऊंगा आपको और डिटेल। पिगी यूनिट जो हमने बात की थी, जो जनरल की थी, उसके अंदर हमने 20% देखा, सरकार यहाँ पे 50% दे रही सब्सिडी। कितने दोस्तों? 50। और ऐसी पिगी यूनिट पूरे हरियाणा में शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए 100 खोलना चाहती है। जो शीप यूनिट है, गोट यूनिट, ये बंपर है, ये लॉटरी दोस्तों, ये लॉटरी। यहाँ पे ये स्टार मार्क लगा लीजिए, ये लॉटरी अगर कोई खोलना चाहता है शेड्यूल कास्ट का तो अगर यहाँ पे लॉटरी देख लेना, सरकार की लॉटरी क्या है। सरकार शीप और गोट यूनिट पूरे हरियाणा में एससी के लोगों के लिए 800 खोलना चाहती है और सब्सिडी दे रही है 90% दोस्तों। कितनी? 90%। ये याद कर लेना, रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% सब्सिडी दे रही इस अंतर्गत योजना के अंदर सरकार एससी वाले लोगों को शीप या गोट यूनिट खोलने के लिए। अब देखते हैं इनको डिटेल। अगर आप 2 या 3 मिल्च एनिमल, देखो ये जो हमने बात की यहाँ पे मिल्च एनिमल की, यहाँ पे ये वाली बात यहाँ पे है कि कौन से मिल्च एनिमलों ने, अगर आप सरकार ये कहती है अगर आप क्रॉस ब्रीड जैसे होलिस्टीन फ्रिजन है, अगर आप 20 लीटर के होलिस्टीन फ्रिजन 2 या 3 खरीदते हो तो उसकी प्राइस सरकार ने मैक्सिमम बताई है 90,000। कितने? 90,000। 15 लीटर की लेते हो, जो एनिमल 15 लीटर देता है तो उसके 70,000 रुपये प्राइस फिक्स की। अब बफेलो की बात करते हैं, सरकार कह रही है आप 20 लीटर से ज्यादा दूध देने वाली अगर बफेलो खरीदते हो इस योजना के अंदर तो आपको ₹1,00,000 की उसकी वैल्यू सरकार ने डिसाइड कर दी है। अगर आपकी वो ₹1,00,000 की है, अगर आप इंडिजिनस काउ जो हरियाणा की है 12 लीटर जो दूध देती है तो सरकार ने बोला उसके लिए ₹60,000 देंगे। तो सरकार ये कह रही है अगर आप 3 मिल्च एनिमल, ये मिल्च है दोस्तों, यहाँ पे मिल्च है, अगर आप 3 मिल्च एनिमल खोलते हैं, 3 मिल्च एनिमल का मिनी डेयरी खोलते हैं तो आपको बफेलो लेते हैं तो आपको ₹3,00,000 देंगे। तो दोस्तों 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए में गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी दे रही है वो आगे देखते हैं। गवर्नमेंट देखो यहाँ पे कितने सब्सिडी, 50%। मतलब यहाँ पे अगर आप 3 लाख की डेयरी खोलते हैं शेड्यूल कास्ट से हो, अगर आप 3 बफेलो लाते हो जो 20 लीटर दूध देती है तो आपको गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए वापस दे देगी अपनी तरफ से। तो इतना फायदा है। अगला देखते हैं दोस्तों पिगरी यूनिट, जो अभी हमने बात की थी पिगरी यूनिट की, वो सेम ही पिगरी यूनिट है, 10 स्ट्रॉ होगा और 1 बोर होगा, ठीक है ना। सेम ही यॉर्कशायर ब्रीड का होगा, 8 से 11 मंथ का होगा। 1 लाख जो इनकी पिगरी यूनिट की जो प्राइस फिक्स की थी जो अभी हमने देखा, उसके ऊपर सरकार कह रही है 50% सब्सिडी देगा दोस्तों। कितनी? 50%। वहां पे कितनी दी थी जंगल में? 25%। तो यहाँ पे आपको ₹50,000 दे रही है गवर्नमेंट 1 लाख रुपए के ऊपर, चाहे आपका जो ये कह रही है सरकार मैक्सिमम 9,000 अगर आप लाते हो, अगर आप इसको 70,000 में भी लेके आ जाते हो ना 10 स्ट्रॉ, तो भी सरकार आप 90,000 की वैल्यू आंकेगी आपको, वो भी देगी। अगर आप ये 8,000 में लाते हो तो 78,000 में पड़ता है, अगर आप सरकार को बिल बता देते हो ₹1,00,000 का तो भी सरकार आपको 50,000 की सब्सिडी देगी। सरकार ने मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू इतनी आंकी है, ठीक है, वो आप कितने लेके आओ, मिनिमम वैल्यू सरकार के लिए इतने का आता है, 8, 11, 15, 16 लाते हो तो 10 स्ट्रॉ इतने का आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं जो जैकपॉट है, जो अभी हमने बात की जैकपॉट की, एससी के लोगों के लिए जो जैकपॉट है, जिन्होंने नहीं लिया दोस्तों ले लेना अगर योजना चल रही है यहाँ पे आपके यहाँ पे तो देख लेना। सरकार कहती है 16 एनिमल लेके आई है शीप के, जो हम शीप या गोट के जो हमने बात की थी, जो उसके लिए 1 यूनिट होगी चाहे शीप की को या गोट की, 1 यूनिट मानेगी। सरकार कह रही है 90,000 फीमेल के लगेंगे, 8,000 मेल के लगेंगे, टोटल 98,000 आपका खर्चा आ रही है। सरकार कह रही है 98,000 पे हम आपको देंगे 90% दोस्तों। कितना? 90%। मतलब जैकपॉट है लगभग 88,200 रुपए का, 88,200 रुपए आपको सरकार सब्सिडी दे रही है और 90%। तो यहाँ से क्वेश्चन आना बनता है, तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, अगर योजना आती है तो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार चाहती है शेड्यूल कास्ट का अपलिफ्टमेंट हो, बहुत अच्छी योजना है। अब आता है एलिजिबिलिटी, सेम एलिजिबिलिटी है, बस एक छोटा सा फर्क है जो पहली योजना में, कि यहाँ पे जो 18 से 55 साल का आदमी होना चाहिए, जो भी फीमेल होना चाहिए मेल, वो हरियाणा का होना चाहिए और उसकी जो कैटेगरी है वो शेड्यूल कास्ट की होनी चाहिए, बस इतना ही फर्क है। बाकी अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, किसी दूसरी उसकी में भाग लेना नहीं चाहिए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो आपकी जिसके थ्रू आप खरीद रहे हो, आप इंडिविजुअली खरीद सकते हो। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी जो पिछले वाले, पर यहाँ पे इतना ही है कि शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। अब आती है दोस्तों तीसरी स्कीम। तीसरी स्कीम में क्या कहती है सरकार, हाईटेक डेयरी खोलना और मिनी डेयरी खोलना। हाईटेक और मिनी डेयरी का मतलब समझ लो दोस्तों, सरकार ये कहती है आप हाईटेक डेयरी खोलो या मिनी डेयरी यूनिट खोलो 2022-23 के अंदर,
इसके अंदर सरकार क्या कहती है, ऑब्जेक्टिव क्या रखा है सरकार ने, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, वही बात, टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी प्रोडक्ट, मतलब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाओ और डेयरी प्रोडक्ट बढ़ाओ, इस योजना का ऑब्जेक्टिव रखा है सरकार ने। तीसरा रखा टू अपग्रेड एंड डेवलप वेल्यूएबल ब्रीड जर्मप्लाज अवेलेबल इन स्टेट। देखो ये कैसे बढ़ते हैं मैं अभी बताऊंगा, ये बहुत अच्छी चीज लिखी है यहाँ पे, अपग्रेड करना एनिमल्स को, जर्म प्लाज को, जर्म प्लाज क्या है सारी चीज में अभी आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। टू इंक्रीज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इन द मिल्क, अगर आपका अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होगा तो अच्छे मिल्क के सरकार की पर सरकार के लिए पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी हरियाणा स्टेट की, तो ये मोटो रखा। तो इसके अंदर सरकार क्या कहती है मैं बताता हूँ आपको, कितने मिल्क एनिमल रखने क्या फायदा दे रही है सरकार, ये कह रही है अगर आप चार मिल्क एनिमल का फॉर्म खोलते हो, फार्म खोलते हो, मिनी डेयरी खोलते हो, कितना चार या दस का, चार या दस का अगर आपको खोलती है सरकार कहते हैं हम आपको कितने रुपए देंगे 25% की सब्सिडी देंगे, कितनी 25, दस मिल्क एनिमल का खोलते हो तो भी 25 सब्सिडी देंगे, पर चार मिल्क एनिमल के केवल 350 फार्म खोलना चाहती सरकार पूरे हरियाणा में, टारगेट ये है, और वो चाहती है कि 10 मिल्क एनिमल का जो 25% सब्सिडी उसके 160 फार्म यूनिट के फार्म खोलना चाहती है, डेयरी खोलना चाहती है, मिनी डेयरी जिसको नाम दिया है हाईटेक मिनी डेयरी। अब सरकार ने कहा अगर 20 मिल्क एनिमल आपके पास या 50 मिल्क एनिमल है, 20 मिल्क एनिमल के 60 और 50 मिल्क एनिमल के 40, अगर इतनी यूनिट के अगर आप एनिमल को मतलब रखते हो तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ लोन देते हैं, तो वो क्या है इस स्कीम का फायदा क्या है वो आगे देखते हैं। सरकार ये कह रही है इस स्कीम के अंदर अगर 4 से 10 MA मतलब यहाँ पे मिल्क एनिमल से दोस्तों, अगर 4 या 10 मिल्क एनिमल का डेयरी यूनिट खोलते हैं तो आपको 25% सब्सिडी देंगे, ये कह रही है सरकार। द बेनिफिशियरी विल हैव टू अरेंज मार्जिन मनी एज पर बैंक रिक्वायरमेंट, बैंक रिक्वायरमेंट का हिसाब से यहाँ पे मार्जिन मनी अरेंज करनी होगी, रेस्ट जो होगी मतलब 75% जो होगी सरकार आपको लोन देगी, 25% का आपको सब्सिडी देगी, 75% का लोन भी अरेंज करके दे देगी। अब ये कह रहा है अगर आप 20 या 50 मिल्क एनिमल, एमए का मतलब यहाँ से मिल्क एनिमल से, तो अगर डेयरी खोलते हैं तो इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ आपको लोन देगी, क्या कहते हैं बेनिफिशियरी विल हैव टू अरेंज मार्जिन मनी, जो मार्जिन मनी कितनी होती है वो आपको अरेंज करनी है 25% जो है, और बाकी जो बची हुई 75% है टोटल लाइफ स्टॉक कॉस्ट, जितना एनिमल का खर्चा आ रहा है सरकार ने अपर एनिमल का खर्चा फिक्स कर रखा वो भी बताऊंगा, और बाकी जो मनी है 75% आपको लोन दिलवा देगी। तो सरकार की योजना है हाईटेक मिनी डेयरी यूनिट खोलने की। अब सरकार ने क्या कहा कि अगर आप वही बात जो अभी आपने एससी वाले में देखा था वही चीज है, अगर आप एचएफ लाते हो 20 लीटर की तो आपको 90,000 रुपए देंगे, अगर 15 लीटर देने वाली लाते हो एचएफ तो 17,000 रुपए मैक्सिमम कॉस्ट देगी, जिसके अंदर 50 मैंने बोला था ना 50 एनिमल की या 20 एनिमल की आप डेयरी खोलते हो या 4 एनिमल एनिमल की डेयरी, तो उसके सरकार की जो अपर कॉस्ट इतनी करी इस पे सरकार 25% सब्सिडी देगी, ठीक है ना, इन रुपयों पर, समझ गए दोस्तों। बफेलो अगर आप 20 लीटर दूध देने वाली लाते हो सरकार लाख रुपए उसकी कीमत आंकती है, उसके ऊपर आपको सब्सिडी लोन वगैरह जो देगी वो है इंडिजिनस का, वो ऐसे है। देखो इनके अंदर क्या होगा, अब ये सरकार ने क्यों किया अब आपको मैं समझा देता हूँ, सरकार क्या कह रही है जर्म प्लाज कैसे बचाना चाहती है। सरकार कहती है अगर आप अगर इस योजना के तहत अगर आप एनिमल पालते हो तो सरकार चाहती है कि जो इतना दूध देने वाले है ना, इतना दूध देने वाले 16 से 20 लीटर वाले 15 लीटर वाले, ये जो अच्छी अच्छी लीटर दूध देने वाले, सरकार इनके जर्म प्लाज और इनके जो जीन लेना चाहती है, जो भी आप समझे ओवा या स्पर्म जो भी लेना चाहती है, इनको सिक्योर करना चाहती है, ताकि हरियाणा के जो भी आगे आने वाले जो भी AI करे या आगे आने वाले जो पीढ़ियां हैं एनिमल्स की वो अच्छी क्वालिटी की हो, इसलिए सरकार इनके जर्म प्लाज इकट्ठा करके रखना चाहती है, ठीक है ना। तो इससे क्या योजना के तहत लोग जुड़ेंगे और लोग बताएंगे कि मेरी क्रॉस ब्रीड काउ या मेरी हरियाणवी जो गाय है 12 लीटर दूध दे रही है, तो सरकार के लिए 60,000 रुपए इसके करता हूँ, उसको 25% सब्सिडी दे रहा हूँ, तो इन गायों को पाल और मुझे आप इनके जन्म प्लाज दे दो, तो सरकार का मोटो ये है इस स्कीम के पीछे, ठीक है ना। अगला दोस्तों आता है बैक यार्ड पोल्ट्री यूनिट। अब हमने लाइव स्टॉक की बात कर ली, अब पोल्ट्री यूनिट की बात करते हैं, सरकार पोल्ट्री यूनिट में क्या ऑब्जेक्टिव रखती है। सरकार कहती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या है कि लंबे समय तक क्या देखती है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अगर कोई मुर्गी पालन करता है जो बैकयार्ड पोल्ट्री करता है, बैकयार्ड पोल्ट्री समझते हो ना, घर के पीछे पालते हैं, मतलब छोटी यूनिट जो पोल्ट्री होती है जो
मतलब कोई पोल्ट्री फार्म नहीं है घर पे, अगर आप पोल्ट्री रेयर करवाते हो उसके लिए बात की है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस दोस्तों। हाँ तो सरकार यह क्या कह रही है कि लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो अगर आप पोल्ट्री पालोगे तो अंडे अंडे भी होंगे हरियाणा के अंदर, एक प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और मीट प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। एट और मीट प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो उसके तहत सरकार ये कहती है ये बढ़ने की वजह से जो अंडे और मीट के अंदर अच्छी प्रोटीन, अच्छा विटामिन कंटेंट, अच्छा न्यूट्रिशन कंटेंट होता है। सरकार कहती है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी, पब्लिक में न्यूट्रिशनली स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये सोशल अपलिफ्टमेंट का काम करेगी। तो हमारा टारगेट ये भी, ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कह रही है सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फैमिली, जो पुअर फैमिलीज है उनको एक एक्स्ट्रा इनकम का सप्लीमेंट मिल जाए। तीसरा है इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशन स्टेटस बेनिफिशियरी देयर फैमिली मेंबर, जो फैमिली मेंबर पाल दिए उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़े, खाना पीना अच्छा हो, वो हेल्दी बने। जो ये दो तीन है ऑब्जेक्टिव इसने, सरकार ने इस स्कीम के तहत रखे। क्या फायदा है, क्या ऑब्जेक्टिव, हम अब डिटेल में देखते हैं। स्कीम क्या कह रही है बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट की 2022-23 में सरकार ने क्या क्या बताया है। सरकार कहती है इस स्कीम के डिस्क्रिप्शन में कि मैक्सिमम प्रॉफिट लेना बैकयार्ड पोल्ट्री से, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करनी है यहाँ पे जो फैमिलीज है वहां पे, कह रही मैक्सिमम प्रॉफिट लेना। कैसे, स्टडी पोल्ट्री बर्ड लाइक छाबरो छेबरो कैरी निर्भीक और छेबरो जो ब्रीड है इनकी पालना और इनसे दो इनपुट से हमें मैक्सिमम आउटपुट लेना, मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट इनकम कमाना। देयरफॉर डेवलपमेंट फ्रॉम द ओन हैचरी, अब ये कहाँ से लेंगे, सरकार कह रही है हम आपको पोल्ट्री यूनिट प्रोवाइड करें, कहाँ से करवाएंगे, सरकार कह रही है हमारी खुद की हैचरी जो हिसार के अंदर है वहां से हम आपको 10 दिन पुराने मतलब 10 दिन ओल्ड, 10 दिन की एज के हम आपको चूजे देंगे। कितने दोस्तों, 10 दिन की एज के चूजे देंगे। कितने चूजे देंगे आपको, 50 चूजे, 10 दिन एज के 50 चूजे देंगे फ्री में। और इसके साथ आपको कुछ दो चीजें और देंगे, देखो इसके साथ आपको टू वाटर और टू ड्रिंकर, टू वाटर ड्रिंकर टू फीडर आपको सरकार इसके साथ देगी फ्री ऑफ कॉस्ट पे, दो स्टेप पे। सरकार ये कह रही है हरियाणा सरकार ने अपनी हैचरी से आपको 10 दिन, 10 दिन की एज के 50 चूजे देगी। 50 चूजों के साथ सरकार कह रही है हम आपको दो वाटर जहाँ पे जो पानी पीते हैं चूजे या पोल्ट्री, और दो वाटर दो फीडर आपको देगी जहाँ से दाना चुगती है पोल्ट्री और जहाँ पे पानी पीती है, वो साथ में आपको फ्री में देंगे। अब फिजिकल स्टेटस क्या, फिजिकल टारगेट क्या, सरकार ने ये क्यों रखा कि हमारा टारगेट क्या, सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि हमें 100,000 यहाँ पे बैकयार्ड पोल्ट्री बनानी। कितनी दोस्तों, 1,000 पोल्ट्री यूनिट खोलने पूरे स्टेट हरियाणा के अंदर, 1,000 पोल्ट्री खोलने का टारगेट लिया, जिसके अंदर सरकार कह रही है हम 10 दिन के हम चूजे देंगे, 50 चूजे देंगे और साथ में टू ड्रिंकर और टू फीडर देंगे। तो सरकार, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको पूछा गया सरकार स्कीम के अंदर क्या दे रही है, तो आपको सबसे पहले बताएंगे 10 दिन ओल्ड, कितने दोस्तों, 10 डे ओल्ड आपको कितने चूजे दे रही है, 50 चिक दे रही है सरकार। और उसके साथ सरकार आपको दे रही है दो वाटर और दो फीडर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, दो फीडर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है इस योजना के तहत। पूरे हरियाणा के अंदर सरकार कितने देगी, 1,000 लोगों को, 1,000 लोगों को ये बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म खुलाने की सरकार ने ठान ली, और सरकार ने ये जो ब्रीड का ये पे टारगेट लिया है। ठीक है, तो ये सरकार का स्कीम है पोल्ट्री के लिए। अब दोस्तों पांचवी और लास्ट योजना सरकार की जो चल रही है उसके, ये बहुत अच्छी योजना है ये, जंग प्लांट सेव करने की, कंजर्वेशन करने की, जो अभी पहले मैंने बताया था ना, हरियाणा सरकार कहती है हमने कंजर्वेशन करना, इंडिजिनस कैटल, इंडिजिनस कौन कैटल, कौन सी है, गिर साहिवाल रेड सिंधी, जो ये कैटल है हरियाणा, इन कैटल को जंग प्लाज को सेव करना, कंजर्व करना, ताकि आने वाले टाइम में ओरिजिनल जंग प्लाज खत्म ना हो जाए, मतलब ओरिजिनल ब्रीड खत्म ना हो जाए, तो इनको कंजर्व करना और उनके डेवलपमेंट को करना, किसको, मुर्रा को, बफेलो बंदर मुर्रा का डेवलपमेंट करना और इंडिजिनस कैटल का ये टारगेट लिया। इसके अंदर सरकार क्या कहती है, अब इस स्कीम को डिटेल में देखते हैं, आपको समझाता हूँ। हरियाणा इज हैविंग 2.1% बोवाइन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, सरकार कह रही है हरियाणा 2.1% पॉपुलेशन रखती है, बट 5.9 टोटल मिल्क प्रोडक्शन। अब आप देखिए ओनली 2% हरियाणा कह रही सरकार कह रही कि हरियाणा के पास बोवाइन है, मतलब बोवाइन मतलब कैटल एंड बफेलो, पर वो कह रही है टोटल देश के मिल्क प्रोडक्शन का 6% हम दे रहे हैं ऑलमोस्ट 5.9%, तो हमारे एनिमल है अच्छा खासा दूध दे रहे हैं, अच्छी बात है ये, ठीक है ना।
इसके अंदर सरकार और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, इसलिए ये चीज जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको और स्ट्रॉन्ग करना, जिन सेक्टर में जैसे बात करें एससी में मिल्क एनिमल नहीं रखे, सरकार ने उनको मिल्क एनिमल के लिए ज्यादा सब्सिडी दी, जो और कमजोर उनको और उनको और अच्छा करना, उनको मजबूत करना, मजबूत और मजबूत करना, ये सरकार का टारगेट है। कैसे देखिए, एनुअल मिल्क प्रोडक्शन हरियाणा का कह रही है सरकार 112.84 लाख है टन। लेटेस्ट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मतलब एक आदमी को एक दिन में पूरे हरियाणा के एक आदमी को लगभग एक लीटर मतलब एक लीटर 60 ग्राम दूध अवेलेबल हो सकता है, इतना दूध प्रोडक्शन कर रहा है हरियाणा। बहुत अच्छा स्टेटस है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज ये। अगला है द स्टेट इज होम ट्रेड ऑफ द फेमस मोरा बफेलो और हरियाणा का। अब जो ये रीजन है हरियाणा पंजाब का, तो सर यहाँ पे आपको सब लोगों को पता है मोरा बफेलो का नेटिव प्लेस है, मोरा बफेलो का नेटिव प्लेस है, होम ट्रेड है और हरियाणवी काऊ का तो है ही, ऑब्वियसली बात है। विश्व लाइव स्टॉक सेंसस जो 2019 में हुआ उसके अंदर लगभग 38.4 लाख, देखो ये डेटा भी आप पढ़ रहे ना, मैं इसके लिए अलग क्लास लूंगा, जो जो भी पॉपुलेशन है हरियाणा की वो सारी मैं अलग से क्लास लूंगा डेटा की, पर यहाँ पे जो बताया गया यहाँ देख लो लगभग 38.49 लाख बफेलो है, 7.4 लाख इंडिजिनस काऊ है 2019 के लाइव स्टॉक सेंसस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अकॉर्डिंग। अब सरकार इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या लेके आई, क्या करना, कंजर्वेशन करना और अपग्रेडेशन करना, किसका दोस्तों, कंजर्वेशन और अपग्रेडेशन, वैल्यूएबल इंडिजिनस जनप्लाज, जो वैल्यूएबल इंडिजिनस जनप्लाज कौन से होंगे, जो बफेलो या जो केटल अच्छा दूध दे रही हो उनको हमने कंजर्व करना, बचाना और आने वाली पीढ़ियों के साथ क्रॉस ब्रीड करा के अपग्रेड करना, ये सरकार का टारगेट है। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन होगा और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इससे सरकार की इनकम भी बढ़ेगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉप क्वालिटी ऑफ जनप्लाज, इसके अंदर क्या करेगी सरकार, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी टॉप क्वालिटी ऑफ जनप्लाज, ठीक है, कैसे अभी दिखाते हैं। इंडिजिनस ब्रीड काउ के और बफेलो के दोनों यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएंगे जनप्लाज और इनका इकट्ठा करेगी। दे इंसेमिनेशन विद हाई क्वालिटी सीमेन विद सस्टेनेबल जेनेटिक इंप्रूवमेंट, उनका भी हाई जेनेटिक है दोस्तों, जेनेटिक इंप्रूवमेंट की बात करें, जेनेटिक इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे उन ब्रीड्स का भी। अब कह रही एनकरेज द फार्मर रियर एंड ब्रीड हाई यील्डिंग एनिमल जेनेटिक मेरिट, और इससे क्या फार्मर करेंगे, अच्छे दूध देने वाले एनिमल को और रखेंगे, अगर उनको मोटिवेशन मिला तो एनकरेज करेंगे लोगों को सरकार इस योजना के तहत। अब सरकार कैश फ्लो क्या दे रही है, कैश इंसेंटिव क्या दे रही है सरकार, जैसे मुर्रा की बात करें, मुर्रा बफेलो की अगर रेट की बात करें तो सरकार कह रही है अगर आपके पास 25 किलो दूध देने वाली, कितना दोस्तों, एक मिल गेल में डेली नहीं, अगर पीक मिल गेल, एक पीक होता है, पीक जानते हो, ऐसे आपका दूध हुआ पूरे साल में, ऐसे पूरे साल मतलब पूरे लैक्टेशन में, अगर पहले दिन 5 लीटर दिया, एक टाइम आएगा वो 26 लीटर दूध देगी, कब 26 लीटर, उससे बाद में वो हमेशा कम देगी, मतलब एक टाइम आता है ना कि आज सबसे ज्यादा दूध हुआ उसके बाद कम हुआ, तो उसको कहते हैं पीक। तो पीक मिल डील अगर सरकार कह रही है, अगर आपके 25 किलो दूध हो रहा है एक इलेक्ट्रेशन में, तो सरकार कह रही उस मुर्रा बफेलो को हम 30,000 रुपए देंगे, कितने दोस्तों 30,000, अगर 22 लीटर हो रहा है 1822 को हम आपको 15,000 रुपए देंगे, 25 तक हो रहा है तो आपको 20,000 रुपए देंगे। तो सरकार क्या कर रही है, इनका बढ़ावा दे रही है, इन बफेलो का इनका जनप्लाज सेव करना चाहती है, इनके साथ जनप्लाज भी मांगेगी पर आपको इसके साथ अच्छी क्वालिटी का सीमेंट प्रोवाइड करेगी और इन ब्रीड को और भी मोटिवेट आगे बढ़ाएगी, ताकि आने वाले वीडियो में आप इन्हीं जनप्लाज को आगे बढ़ा सको और मिल्क प्रोडक्शन ले सको। कुल मिलाकर सरकार पशुधन को अपग्रेड करना चाहती है आपके हरियाणा के। हरियाणा काऊ की बात करें, सरकार कह रही है अगर हरियाणा काऊ कह रही है अगर आपको 10 लीटर दूध दे रही, कितना दोस्तों 10 केजी, तो 10,000 रुपए, 12 केजी से ज्यादा दे रही तो आपको 20,000 रुपए मिलेंगे, यहाँ पे केजी है ठीक है, 15,000 रुपए यहाँ पे 20,000 रुपए 12 केजी से ज्यादा है, तो ये हरियाणा काऊ के लिए। यही बात सहीवाल के लिए सरकार ने बोला, अगर आपके पास सहीवाल काऊ और 15 किलो दूध दे रही तो आपको 20,000 रुपए, नहीं तो 10 से 12 किलो के लिए 10,000 और उसके ऊपर 15,000 रुपए, ये आपको इस योजना के तहत मिलेंगे। आपको बताना पड़ेगा देखो हमारे इतना दूध हो रहा है और इस साल में इतना एवरेज दूध हुआ, तो आपको इतना बताना पड़ेगा सरकार को। बेला ही काउ जो सरकार ने बताया था उसमें अंदर सरकार कह रही है अगर आप 8 किलो दूध दे रही तो 5,000 रुपए देंगे और 10 किलो दूध दे रही तो 15,000, और 8 से 10 किलो वालों को 10,000 रुपए हम इंसेंटिव देंगे कैश फ्लो में, जो सरकार ये कह रही है इस योजना के तहत। इससे क्या होगा, सरकार चाहती है कि आप बताएं कि हमारे पास ये काउ है, ये दूध दे रही है, आप पैसा भी लोगे और बताओगे भी मेरे पास ये काऊ है। अगर सर आप
सरकार पैसा नहीं देगी तो आप क्यों बताओगे मैं मेरी काउ 20 लीटर दूध दे रही, कोई नहीं बताएगा कहाँ पड़ी है। इससे क्या आप सरकार को बताओगे तो सरकार को आइडेंटिफाई होगा कि हरियाणा के अंदर यहाँ यहाँ पे इतने काउ है जो इतना दूध दे रही है, इतने बफेलो है जो इतना दूध दे रही है, फिर आपके जो आपकी बफेलो है काउ सरकार उसको अच्छी क्वालिटी का जर्म प्लाट के साथ इंसेमिनेट करा के आगे की जनरेशन को और अपग्रेड करना चाहती है, ये सरकार का अच्छा मोटिव है। तो अभी योजना के अंदर सरकार कह रही है हम 850 मुर्रा बफेलो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, कितने दोस्तों लगभग 850 मुर्रा बफेलो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो हाई अच्छा बिल प्रोडक्शन देती है, 16 इंडिजिनस काउ, 1600 मतलब 1600 इंडिजिनस काउ यहाँ पे सरकार कैटल को आइडेंटिफाई करनी चाहती है। सरकार यह भी कह रही है कि जरूरी नहीं है कि हम 850 ही मिनिमम टारगेट ये, अगर और भी हो तो हम उसको भी इस योजना के अंदर तक लेंगे, तो इतने तो हम पैसे देंगे, ये मिनिमम पैसा देने की है, इससे ज्यादा भी है सरकार तो इस योजना के अंदर तक लेके आएगी पर उसको पैसे नहीं मिलेंगे, केवल 850 मुर्रा को और 1600 इंडिजिनस काउ के पैसे सरकार इस योजना में देंगी। Target would not be restrict milk recording more buffalo cattle otherwise found eligible. अगर इससे भी ज्यादा अगर दूध हो रहा है तो आप आके बता सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको यहाँ पे ये रिकॉर्ड यहाँ पे सेव कर लिया जाएगा। डिपार्टमेंट इसके लिए डिपार्टमेंट लगभग 700 लाख रुपए खर्चा करेगी, मतलब 7 करोड़ रुपए इसके ऊपर सरकार अपने बजट का खर्चा करेगी। तो दोस्तों ये थी 5 योजनाएं जो हरियाणा सरकार की एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में वर्तमान में चल रही है, कुछ योजनाएं एक दो बहुत अच्छी योजना थी दोस्तों अभी दिसंबर में एंड हुई है पंडित दीनदयाल पशु बीमा योजना, तो बहुत अच्छी योजना थी पर वो एंड होगी इसलिए मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए। तो ये 5 योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं, मैंने जहां पर ऑब्जेक्टिव बन रहे आपको बताए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ऑब्जेक्टिव रहा सरकार का, किसको कितना फायदा देंगे, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हर सब्जेक्ट के आपके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो देखने के लिए विंग्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको क्विज भी मिलेगा, आपको क्लास के वीडियो भी मिलेंगे, आपको वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, वहां से आइए आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। और कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे जो विंग्स क्लासेस के ऐप में मोबाइल नंबर दे रखे हैं वहां से आप आसानी से कॉन्टेक्ट करके हमसे कर सकते हैं, और ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वीडियो को डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़िए। और HSC के जो 747 पोस्ट है उसके लिए हम जिस जहाँ से तैयारी करा रहे हैं, काफी लोग जुड़े हमसे, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए, जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए और मॉक टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए, वीडियोस देखिए और भी ऐसे वीडियोस हम आपके साथ लाते रहेंगे, आप अपने हमारे ऐप पे आइए। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई है और मिलते हैं अगली क्लास में, जो सब्सक्राइब लोग हैं ऐप पे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।